अस्सलाम स्टूडेंट्स, इट्स मी सर निशाम हियर। जैसे कि आपको पता है कि हमारा आज प्रेजेंट सेशन का सेशन जो चल रहा है उसके आज लेक्चर 2 है। तो बेसिकली प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने जो है वो फ्रैक्शंस की एडिशन सब्ट्रैक्शन देखी थी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो थोड़ा सा एमसीक्यूज बेस्ड है, ताकि आपको, जैसे मैंने पहले बताया था कि आपका जो फाइनल पेपर होगा उसके अंदर हाफ पार्ट जो आपका एमसीक्यू सेशन होगा, इसके अंदर फिल द ब्लैंक और ट्रू फॉल्स होंगे, और जो आपका दूसरा बाकी का पोर्शन होगा उसके अंदर हमारे जो नॉर्मल क्वेश्चन और सॉल्यूशन वगैरह जो हम करते हैं वो होंगे। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो फिल द ब्लैंक और ट्रू फॉल्स, ठीक है। ये तमाम चीजें मैं आपको समझाऊंगा, आपको थोड़ी बहुत हिंट दे दूंगा, लेकिन सॉल्व आपने खुद करनी है। और बेसिकली तमाम काम हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं कॉपीज के अंदर, लेकिन क्योंकि रिविजन चल रहा है पेपर के हवाले से, तो इसलिए मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट दूंगा, बाकी आपने जो सॉल्व खुद करना है इसको अपनी कॉपीज में, जहां पे प्रीवियस आपने काम किया उसी के आगे इसको हमें कंटिन्यू करना है, ठीक है। फिल द ब्लैंक्स नंबर वन क्या है, वन अपॉन थ्री ऑफ 12। जहां भी आपको ये ऑफ का वर्ड दिख जाए, इस ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। इस ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो अगर आप यहाँ मल्टीप्लाई लगाएंगे तो देखें फिर 3 और 12 आपस में क्रॉस में कैंसिलेशन हो सकते होंगे। मैंने आपको चीज बताई थी कि अगर दो नंबर्स के बिटवीन मल्टीप्लाई लगाओ, दो फ्रैक्शन के बिटवीन मल्टीप्लाई लगाओ, तो हम आपस में क्रॉस में जो कैंसिलेशन हो सकती है, वहां पर आमने सामने नहीं होगी। तो अगर मैं इसको ऑफ को मल्टीप्लाई समझू तो ये हो जाएगा 3 1 3 और 3 4 12। तो इट मीन्स यहाँ पे आंसर क्या आएगा आपका 4, सही है। 3 1 3 और 3 4 12। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास दो फ्रैक्शन है 3/5 और 15/9, ठीक है। अब यहाँ पे भी उनके मल्टीप्लाई है तो क्रॉस में कैंसिलेशन होगी, किस तरीके से होगी, 3 1 3 और 3 3 9, 5 1 5 और 5 3 15, ठीक है। फिर ये 3 3 आ गया, तो 3 1 3 3 1 3 तो आपके पास 1/1 बेसिकली इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 1/1 क्या आप सिंपल 1 भी लिख सकते होंगे, हमें बात पता है कि हमें डिनोमिनेटर अगर 1 लिखना है लिखने बराबर होता है, तो आप सिंपल 1 भी इसको लिख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास 4/7, 14/8, 2/5, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे ऊपर अभी सॉल्यूशन किया आपने वैसे इसको सॉल्व करना है कैंसिलेशन के थ्रू। किस तरफ, 7 1 7, 7 2 14, ठीक है। 4 1 4, 4 2 8, ठीक है। तो ये आपका देखिए क्या हो जाएगा, ऊपर 2 2 बचे तो 2 2 4 और 5 2 10। और इसको अगर हम चाहें तो ऐसे भी कैंसिल कर सकते हैं, इस 2 से 8 2 कैंसिल, तो आपके पास सिंपल क्या आंसर आएगा, 2/5, ठीक है। तो इसका बेसिकली आंसर आपको हो जाएगा 2/5। देन फिर अब देखें इस चीज को, यहाँ पे मल्टीप्लाई के साथ हमें जो दो फ्रैक्शन के दरमियान एडिशन भी देखते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इनका पहले एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालने के बाद जो हमें चीज मिलेगी उसको और फिर इसको आपस में कैंसिल करेंगे, ठीक है। ये आप खुद करिएगा सॉल्व, ठीक है। अब हम मूव करते हैं ट्रू फॉल्स के ऊपर। ट्रू फॉल्स में हमें बताने के जो एक्सप्रेशन आपको दी गई है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, जो भी होगा आपने इसको लिखना होगा आपने टी एफ करके। देखिए ऑफ को मैंने आपको बता दिया, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। अगर यहाँ मल्टीप्लाई लगाएंगे तो आपसे कह रहे हैं 1/2 ऑफ 1/4 इज 1/6, कि अगर इन दोनों को सिंप्लीफाई करें तो 1/6 आता है नहीं आता। तो अगर मैं मल्टीप्लाई लगाऊं तो 4 2 8 बन जाएगा, 1/6 नहीं आएगा, तो इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद 1/4 + 1/4, इनको अगर आप एड करें तो 1/2 आता है नहीं आता। तो वन अगर आप एड करेंगे इसको उनके डिनोमिनेटर सेम है तो सिंपल एडिशन हो जाएगी 2/4, तो ये 2/4 को जब मैं कैंसिल आउट करूंगा तो ये 1/2 आ जाएगा, तो इट मीन्स कि ट्रू हो जाएगा। उसके बाद मल्टीप्लाई लगा क्रॉस में कैंसिल करेंगे तो ये 144 और ये 144 कैंसिल, ये और ये कैंसिल, 4/9 आंसर, तो ये भी ट्रू। देन आपसे कह रहे हैं कि हाफ ऑफ अ थर्ड इज 1/5, थर्ड का हाफ आपको पता है 1/3 होता है, ठीक है। तो ये 1/5 लिखा हुआ है, इट मीन्स कि फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद 5/3 = 5/3, यानी कि 5 और 3 बन जाएगा, तो ये भी ट्रू हो जाएगा। उसके बाद आपसे कह रहे हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला आपको पता है कि एल इंटू बी होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, लेकिन यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, एल डिवाइड बाय बी, तो इट मीन्स कि ये भी फॉल्स हो जाएगा। तो बेसिकली ये हमने आज जो है वो अपने एमसीक्यूज और फिंगर ब्लैंक्स को जो है डिस्कस किया है, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमने और मजीद क्वेश्चन जवाब जाएंगे। आपका घर पे टास्क ये कि आपने प्रीवियस लेक्चर के क्वेश्चन और जो मैंने आज कराए ये दोनों आपने जो रिविजन का क्वेश्चन बना के आपने आगे करने, ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस होते रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह।
पास